Hello students, today we are going to discuss about the value of social being, यानी कि being good citizen. हमारे society, हमारे city, उसके प्रति हमारी क्या duty है, वो हम इस lesson में देखेंगे. The chapter is the good citizen. Long ago, there was a little kingdom called Shirva. यानी कि Shirva नाम का एक kingdom था. Its people were very lazy. वहाँ के लोग बहुत आलसी थे. They wanted the king to do everything for them. Even the most simple job. छोटे-छोटे भी काम होते थे तो वो people ऐसा सोचते थे कि ये काम हमारा नहीं है, ये तो हमारे king को ही करना है. One day the king decided to teach them a lesson. एक दिन king ने ऐसा सोचा कि इनको तो मुझे कुछ lesson सिखाना ही है, सबक सिखाना है. He ordered a large rock to be placed in the center of the city square. City square होता है ना, बीच में चौराहा होता है या ऐसा कुछ होता है, उसके बीच में उसने क्या किया, एक बड़ा सा rock, यानी कि बड़ा सा ऐसा जो पत्थर था वो वहां पे रखवा दिया. A merchant tried to pass it by. एक व्यापारी था तो वो वहां से जा रहा था. A foreigner who was with him said, "Please stop. Ask your coachman to get down and shift that rock." तो वहां से कोई foreigner जा रहा था, उसने बोला कि आप coachman को भी बुलाओ और एंड देन आप क्या करो, ये जो rock है वो other side में shift कर दो. Why should I? replied the merchant. तो merchant ने ऐसा बोला कि मैं ऐसा क्यों करूं? It is the work of the king and his men. तो ये तो जो king है और उसके आदमी है, उसका काम है, मैं ये नहीं करूंगा. After some time, a policeman rushed by and hurt his foot against the rock. वहां पे एक policeman था, वो दौड़ता हुआ आ रहा था, तो वो जो rock था वो उसके पैर में लगा, तो वो इंजर्ड हो गया. तो उसने क्या किया, he blamed the king's men and went on his way. उसने जो राजा के आदमी थे उस पर ब्लेम डाला कि ये इनकी वजह से हुआ है कि उन्होंने यहाँ से ये बड़ा वाला पत्थर उठाया नहीं और मुझे लग गया, और वो अपने रास्ते पर चला गया. Then a young man came on a horse and looking at the rock. और एक यंग मैन आया, वो घोड़े पर बैठा था और उसने रॉक को देखा और बोला, I cannot dirty my hands and went his way. कि ये ऐसा काम करके मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता, और वो वहां से चला गया. Then came a farmer carrying a basket of vegetables on his head. और उसके बाद कौन आया, एक फार्मर आया. क्या था उसके पास, वेजिटेबल की बास्केट थी उसके सिर पे. He saw the rock and decided to shift it. तो उसने ये सोचा कि ये रॉक उसने देखा और सोचा कि ये मुझे कहीं पे रख देना चाहिए. Using all his strength, he managed to move the rock and roll it to a corner of the square. Using all his strength, अपनी पूरी ताकत उसने यूज की और क्या किया, उसने जो वो रॉक था तो चौराहा था ना, तो उसके एक कोने पे लगा दिया, कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, यानी कि जो चौराहा था उसके एक कोने में वो पत्थर रख दिया. टू हिज ग्रेट सरप्राइज ही फाउंड अ पर्स लाइंग अंडर इट. तो देखा कि वो जो रॉक था, बड़ा पत्थर था, उसके नीचे एक पर्स पड़ा था. The purse was full of silver coins. तो वो जो पाउच था उसमें क्या थे, बहुत सारे सिल्वर कॉइन थे, वो पूरा बटवा उससे भरा हुआ था. On it was written, उसके ऊपर ये लिखा था, a gift from the king to the good citizen who removes this rock. कि ये उस good citizen को गिफ्ट है किंग की तरफ से, जो जिसने ये वाला पत्थर है वो यहीं से कहीं और शिफ्ट किया. तो यहाँ पे क्या था, बाकी सब चले गए, देख देख कर सब लेजी थे, लेकिन जो
मेहनत करने वाला जो फार्मर था उसने ही देखा और उसने ही सोचा बाकी सारे लोग के बारे में, अदर पीपल के बारे में। तो इसने वो जो रॉक था वो वहां से हटाया, तो उसको नीचे रखे हुए सिल्वर कॉइन्स मिल गए। यू मे नॉट ऑलवेज बी रिवॉर्डेड फॉर ऑल योर गुड डीड्स। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अच्छे काम करते हैं बट उसका हमें रिवॉर्ड नहीं मिलता। हाउएवर इफ डूइंग समथिंग गुड मेक्स यू हैप्पी। लेकिन कभी कभी ऐसा काम करते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है। देन दैट इज द रिवॉर्ड। तो वही हमारे लिए एक रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड यानी कि कुछ भी बदला देना, यानी कि कुछ भी इनाम होता है या जो बोलते हैं प्राइस, उस टाइप का। ऑलवेज बी अवेयर ऑफ थिंग्स अराउंड यू। आसपास जो भी होता है उसके बारे में हमें अवेयर रहना चाहिए। और अदर लर्निंग पॉइंट ये है, देखो, स्विच ऑफ लाइट्स एंड फैंस व्हेनेवर यू लीव अ रूम। हमारे घर में या स्कूल में भी हम हमारा क्लासरूम छोड़ के जा रहे हैं तो हमें लाइट्स ऑफ फैन ऑफ करने चाहिए। भले ही किसी और ने स्टार्ट किया हो, स्विच ऑन किया हो, बट अगर कोई रूम में नहीं है तो क्या करना है, हमें लाइट और फैन की स्विच ऑफ करनी है। क्लोज वाटर टैप्स व्हेन दे आर नॉट इन यूज। वाटर टैप में अगर पानी बह रहा है या टपक रहा है तो हमें उसे अच्छे से ऑफ करना चाहिए। डू नॉट थ्रो बनाना स्किन ऑन द ग्राउंड, समवन मे स्लीप ऑन देम। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई रास्ते पे चलते हैं या स्कूल में या कहीं कहीं पे, तो ऐसे बनाना स्किन ऐसा ही फेंक देते हैं, बट जिसका ध्यान नहीं होता उसका पैर आ जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो हमें वो अदर कोई जगह पे डालना चाहिए। सी टू इट दैट नो पेंसिल्स और टॉर्च आर स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, समवन माइट ट्रिप ओवर देम एंड फॉल। कि कभी कभी पेंसिल और टॉर्च यहाँ वहां छोटे होते हैं तो दिखाई नहीं देते, किसी का पैर आ जाता है तो वो स्लिप हो सकते हैं। तो यहाँ वहां बिखरा हुआ सामान होता है वो समेट कर हमें रख देना चाहिए। डू नॉट लीव फॉर अदर्स व्हाट यू कैन डू योरसेल्फ। अपने आप से जो भी काम होता है छोटे छोटे आपकी कैपेसिटी के, वो आपको कर लेने चाहिए, किसी और को नहीं बोलना चाहिए उसके लिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल भी है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज अ ग्रेट मैन। ईश्वर चंद्र विद्यासागर हमारे भारत के एक महान आदमी थे। ही डिड नॉट एम्प्लॉय अ कूली टू कैरी हिज लगेज व्हाइल ट्रैवलिंग। वो यहाँ से वहां ट्रैवल कर रहे हैं तो कभी भी उन्होंने अपना सामान कूली से नहीं उठवाया है। ही कैरीड हिज ओन लगेज। वो अपना सामान खुद उठाते थे। There is no shame in doing your own work. वो बोलते थे कि हमारा खुद का कार्य करने में शर्म कैसी। गांधी जी spun cloth to make his धोती। तो गांधी जी जो धोती पहनते तो उसका कपड़ा भी वो जैसे होता है ना, वो चरखा होता है स्पिन करने का वाला, तो वो स्पिन खुद चलाते थे और खुद ही अपनी धोती बनाते थे। He used to wash his clothes himself. अपने कपड़े भी वो खुद ही धोते थे, वरना इतने बड़े आदमी थे उनको तो कोई भी मिल जाता उनका वर्क करने के लिए। He even washed dirty toilets and swept floors. वो खुद ही अपने टॉयलेट साफ करते थे और पोछा भी लगाते थे। He showed us the way to depend on ourselves and not on others. ये तो ये गांधी जी और ईश्वर विद्यासागर जैसी महान व्यक्तियों का व्यक्तित्व हमें ये सिखाता है कि किसी और पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमारा कार्य है वो हमें खुद ही करना चाहिए। नाउ अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी में क्वेश्चन आंसर है, व्हाई डिड द मर्चेंट नॉट बॉथर टू शिफ्ट द रॉक। वो जो मर्चेंट था वो रॉक साइड में हटाने के लिए क्यों राजी नहीं हुआ था। द मर्चेंट सेड इट्स द वर्क ऑफ किंग एंड हिज मैन। मर्चेंट ने क्या बोला कि ये तो किंग का और उसके मैन का वर्क है। सो ही डिडंट शिफ्ट द रॉक। व्हाट डिड द पुलिसमैन डू। पुलिसमैन ने क्या किया, द पुलिसमैन ब्लेम्ड द किंग्स मैन फॉर हर्टिंग हिज फुट। कि उसको पैर में लगा तो उसने उसकी जो ब्लेम था वो
केक पे डाला और वो वहां से चला गया, went on his way. Do you think the young man acted wisely? No, young man did not act wisely. क्या किया उसने, क्यों वो wisely, मतलब क्यों ऐसा बोला? He looked at the rock and went his way. वो उसने देखा और ऐसा बोला कि मैं अपने हाथ गंदे नहीं करूंगा. And then he went his way. What did the farmer do? Farmer ने क्या किया? How he was rewarded? उसको कैसे मतलब प्राइज मिला, इनाम मिला? The farmer moved the rock. He was rewarded with a purse full of silver coin. क्या किया? तो उसने जो वाला वाला रॉक था वो एक साइड रख दिया कॉर्नर में, और रिवॉर्ड में उसको क्या मिला? How he rewarded? He was rewarded with a purse full of silver coins. What kind of reward do you get when you do good to others? हम जब अच्छा कार्य करते हैं तो क्या मिलता है हमें? You may not always be rewarded for good deeds. ऐसा होता है कि हर बार हमें अच्छा काम करने के लिए रिवॉर्ड नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता सामने से, ना ही तो पैसा मिलता है, ना ही तो कोई अच्छे वर्ड बोलता है. तो बट क्या होता है, बट डूइंग गुड मेक्स अस हैप्पी, बट अच्छे कार्य करना वो हमें अंदर से खुशी देता है, इज द रिवॉर्ड. तो वही हमारे लिए रिवॉर्ड है. ये अंडरस्टैंडिंग द मैसेज है जो हमारा लेसन का, कि हमें अपना कार्य खुद करना चाहिए और हमारी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से भी करना चाहिए. तो लेट्स सी कि एट होम, एट स्कूल और अदर प्लेस में हम क्या क्या कर सकते हैं. होम पे हम क्या क्या कर सकते हैं? क्लीनिंग कर सकते हैं, फिर अरेंज द टॉयज, अरेंज द बुक, कीपिंग काम एंड नॉट टू डिस्टर्ब, शांति बनाए रखें घर पे. टॉयज जो बुक्स हैं वो हम अपनी तरह से अरेंज कर सकते हैं, और शांति बनाकर और किसी को डिस्टर्ब ना कर कर भी हम उनको हेल्प कर सकते हैं घर के मेंबर्स को. स्कूल में भी क्या कर सकते हैं? कीपिंग काम, शांति बनाए रखें, डूइंग होमवर्क, हमारा जो होमवर्क है वो करके आए, हेल्पिंग टू अदर फ्रेंड्स, फिर क्लीनिंग. नॉट टू डिस्टर्ब, तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना. एट अदर प्लेसेस कीपिंग काम, नॉट टू डिस्टर्ब, हेल्प द फ्रेंड्स एंड क्लीनिंग. तो वहां भी ऐसा करके हम सबको हेल्प कर सकते हैं. एक्टिविटी में है वेस्ट पेपर बास्केट, आपको लेना है, बनाना है. तो उसमें क्या करना है कि कुकिंग ऑयल होता है हमारे घर पे, कुकिंग ऑयल होता है उसका कैन होता है, तो मदर या फादर की हेल्प लेकर उसको ऊपर से कट करके और उस पर एक अच्छा सा पेपर उस पर फोल्ड करके उसको डेकोरेट करके हम उसको एज ए डस्टबिन यूज कर सकते हैं और हमारे रूम में वो रख सकते हैं. एंड यूज इट टू कीप योर रूम क्लीन. सो थैंक यू.